उधर जाओ, उधर जाओ। ठीक है ना, हो गया। ठीक है, हमको फोकस करो, तब करो जाओ। अरे तो अभी ऑलमोस्ट हम लोग कैपिटल कम्प्लेक्स का ये जो जूली का ट्राई जंक्शन है वहाँ पर हम लोग खड़ा है, और ये 4 बजने को है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, स्टेट गवर्नमेंट का जो ऑर्डर था कोविड कर्फ्यू का एक्सटेंशन हुआ था, करीब 1:30 बजे तक ऑफिस खुलना है, उसके बाद 3 बजे से कर्फ्यू लगना है। लेकिन यहाँ कोई कर्फ्यू का कोई हिसाब किताब नहीं है। ये हम लोग यहाँ कर्फ्यू तो बहुत दूर का है, यहाँ तो पूरा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। ये जूली का जो ट्राई जंक्शन है, देखिए ये जेल की ओर जाता है, जूली गांव जो जाता है, जूली होकर के गंगा मार्केट निकलता है, ये सड़क है। तो हम दिखाना चाहते हैं कि ये एरिया आप देखिए कि ये एरिया में ही ट्रैफिक जाम है। उसके बाद ये सीधा जो है नहर लगन जाने का सड़क है, ये भी पूरा ट्रैफिक जाम है। ये ऑलमोस्ट 4 बज गया, शाम का है, और आज 4 बजे में ये हालत है शाम का, जो कि 3 बजे से पूरा कर्फ्यू लगा हुआ रहता है, और ये कर्फ्यू का हालत बहुत ही बुरा है। हमें इसके लिए ऑलमोस्ट आधा घंटा पहले मैंने कैपिटल का SP जी बी चिराम को रिक्वेस्ट किया कि यहाँ ट्रैफिक वार्डन भेजा जाए, यहाँ ट्रैफिक वार्डन का किया जाए। लेकिन हमें ये देखने को मिल रहा है कि लोग, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या सिस्टम है वो सिस्टम को पता नहीं है, लेकिन लोग जो है ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। कोई लोग 1 घंटा से फंसे हुए, कोई 2 घंटा से, कोई 3 घंटा से, कोई 4 घंटा से फंसे हुए हैं। और यहाँ तो हमें देखने को मिल रहा है कि ट्रैफिक जो आने वाला है ईटानगर से, जो आने वाला फंसा हुआ है, जाने वाला भी ट्रैफिक लाइन में जो फंसा हुआ है, ये बहुत विचित्र घटना है और बहुत सरप्राइज चीज़ है, ये हम लोगों को देखना पड़ रहा है। इसके अलावा आप विश्वास नहीं करेंगे कि यहाँ में जो पुलिस का गाड़ी जो सायरन मार के जाते हैं, जिनका अर्जेंट रहता है, वो भी फंसा हुआ है। और एक और सरप्राइजिंग इवेंट है, ये जो एम्बुलेंस बोलता है ना हम लोग, जो इमरजेंसी में ही एम्बुलेंस सायरन मारता है, ऐसे तो एम्बुलेंस हम लोग सायरन मारने वाला बहुत ही कम देखे हैं और शायद नहीं देखा है, लेकिन सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। और ये यहाँ ये जो हाईवे जो है NH 415 जो है, ईटानगर से आने वाला जो है, ये ट्रिपल लेन बना हुआ है, सिंगल लेन नहीं है, डबल लेन नहीं है, ये ट्रिपल लेन बना हुआ है। आप खुद ही देख लीजिए, अपना आँख का अंदाज से देख लीजिए कि ये सिचुएशन ऐसा चल रहा है ईटानगर में, और ये सिचुएशन कब तक चलेगा पता नहीं है। हम मानते हैं कि कल 24 घंटा का बंद कॉल था, तो वो बंद कॉल में लोग जरूर नहीं निकलने की वजह से आज कुछ ज़्यादा हुआ, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए था कि लोग अब एम्बुलेंस को ही सड़क में फंसना पड़ जाए। ये काफ़ी हॉरिबल सिचुएशन है, लोग को समझना पड़ेगा। हम कैमरामैन को रिक्वेस्ट करेंगे कि एम्बुलेंस को थोड़ा फोकस किया जाए, और ये फोकस इसीलिए करना पड़ा कि हम लोगों को, और ये एम्बुलेंस का साउंड सुनने के बाद से हम लोगों को ये हाल देखना पड़ा। आगे ले जाओ, आपका गाड़ी में पेशेंट है क्या? कहाँ जाने का है आपको? आपका उसमें पेशेंट है? हाँ, पेशेंट है, ट्रिम्स जाना है। ट्रिम्स जाना है, तो अभी तो काफी ट्रैफिक जाम है सर। आपको किसी निकलेगा वही सोच रहे। आपको कितना समय हो गया? आपको अभी उधर से अभी 1 घंटा हो गया ऑलमोस्ट, उनको ईटानगर से निकला हुआ 1 घंटा हो गया, और ये जाम में फंसे हुए हैं। हम कोशिश करेंगे कि इनको कुछ मदद मिले, हम कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको उसमें पेशेंट है बोला, सीरियस है बोल रहा है, अभी मैं बात किया था, थोड़ा सा आपको साइड कर देना पड़ेगा। हम लोग कोशिश करेंगे, ड्राइवर लोग को रिक्वेस्ट करेंगे, थोड़ा सा आप साइड कर दीजिएगा, सीरियस पेशेंट है बोल रहा है। हाँ पेशेंट है, काफी सीरियस पेशेंट है बोल रहा है वो, थोड़ा सा। हाँ हम लोग थोड़ा सा आप साइड कर दीजिएगा, एम्बुलेंस में पेशेंट बहुत सीरियस है बोल रहा है। आप थोड़ा सा जल्दी निकलिए, पेशेंट काफी सीरियस है बोल रहा है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं और आगे की ओर जा रहे हैं कि ताकि ट्रैफिक को किसी तरह से साइड मिले। एम्बुलेंस में पेशेंट काफ़ी सीरियस है, ड्राइवर ने बताया। तो
इसीलिए हम निकालने के लिए कोशिश करेंगे, हम स्पेस निकालने का कोशिश कर रहे हैं कि ये गाड़ी कम से कम एम्बुलेंस को हम आगे तरह किसी तरह से निकाल दें। मतलब आप लोग कर लीजिए, हाँ आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, हाँ हाँ, धीरे धीरे थोड़ा सा स्पेस निकालने का हम लोग स्पेस निकालने का कोशिश कर रहे हैं। आइए और आगे आइए, हाँ हाँ, इसीलिए कोशिश कर रहे हैं। आप और आगे आ जाइए, एक फुट आगे आ सकते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? आप रुको, एम्बुलेंस में सीरियस पेशेंट है, आप क्यों ऐसे घुसता है? रुको, आप निकलो, सबको साइड करवा रहा है, उधर एम्बुलेंस को निकलना है, सीरियस है बोल रहा है, मर जाएगा बोल रहा है। रुकिए आप, ऐसा मत कीजिए आप। रुकिए, आपको हम घुमाने के लिए जगह देगा। आप कहाँ जाना है आपको? नहर लगन तो आप नहीं जा सकेगा, बैक कर लीजिए। कोई रास्ता नहीं जाएगा, बैक करो, एम्बुलेंस को निकालने के लिए हम लोग साइड बना रहे हैं ना। रुको, हाँ चलिए, आइए 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 आइए, हाँ नहीं नहीं है, आप आ जाइए, और जाइए और जाइए और जाइए और जाइए। वार्डन मतलब वहाँ एम्बुलेंस फंसा हुआ है, देखिए काफी सीरियस है, आदमी लोग साइड भी नहीं करता है। आप और थोड़ा सा आगे जाइए ना, एक फुट और हो जाएगा, और आ जाइए।